हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है, जो आपको थंबनेल भी दिख गया होगा, और जो यहाँ पे लिखी हुई है देन का यूज़, THEN कब यूज़ होता है, और THEN ज़्यादातर यूज़ होता ही है, कि देन THEN कब आएगा, ओफ ओ डबल एफ कब आएगा, वाइड में VIDE कब आएगा, और फॉल्स के यूज़ जो होंगे वो मैं आपको बताऊँगा कि फॉल्स कब आएगा और फॉल कब आएगा। तो और अगला है और आर, इसमें आपको कुछ वर्ड्स बता दूंगा मैं जिनके साथ में आउर आएगा, और एक्ट एक्ट कब शमोल आएगा वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, कुछ सेक्शन के बारे में बता दूंगा, और कुछ जो होगी ऑफ के यूजेस होंगे वो बता दिए मैंने, और पैरा चैप्टर वो रोमन और न्यूमेरिक ये दोनों भी मैं आपको इस वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। जो बच्चे लाइव नहीं आ पाए थे उनके लिए स्पेशल वीडियो, और जिन्होंने कर लिया है वो भी एक बार फिर से कर लें ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, रिपीट हो जाए ये चीज़ें तो आपको पूरा ध्यान रहेगा, और उससे आपके नॉलेज में आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा कि ये चीज़ ऐसी थी। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें आप समझ सकें, कुछ इसमें बोरिंग वाला है नहीं, जो वीडियो है आपके लिए ही है, उसमें कुछ बीच में मैं कोई ऐड वगैरह उसका कोई सिस्टम है नहीं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, या कुछ बातें घुमाने वाली होगी नहीं पूरी वीडियो में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं, देन का कब यूज़ होता है, देन का यूज़ होगा THEN का, जो THEN आएगा वो आएगा इनके साथ ओल्डर अर्लियर बिगर ग्रेटर स्मॉलर हायर अदर फर्दर एक्सेस अगला होगा डिफरेंट रेंट मोर देन लेस देन हैवियर देन और फेवर FEWER स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर, और कुछ वर्ड्स हैं लेस देन बिगर देन रादर देन, मैं आपको बता रहा हूँ पेज पे पूरा स्पेस नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप दोबारा भी सुन के भी आप कर लेना, बेटर लोअर देन टालर देन और लेसर देन LESSER लेसर एल्डर देन वर्स देन WARSE लेटर देन LATER लॉन्गर देन LONGER चीपर देन सफर देन नैरो देन नैरोवर NARROWER नैरोवर देन, और एक होगा आपका लाइटर देन टुगेदर पुअरर क्लोजर अदरवाइज एल्डर और ग्रेवर एंड वीकर, इन सब में आपका THEN आएगा। उसके बाद जितने वर्ड्स बच के पूरी डिक्टेशन में आप अगर ये वर्ड आते हैं तो THEN यूज़ करें, अदरवाइज आपको THEN यूज़ करना है, सिंपल सा है। आप थोड़ा देखोगे दो तीन बार वीडियो को देखोगे, दो तीन बार आप रिपीट करोगे, आपको पता चल जाएगा, डिक्टेशन में जैसे ही आएगा आप तुरंत पता लगा लोगे कि कौन सा आएगा। अगला है ऑफ़ के यूज़, ऑफ़ ज़्यादातर हमारे ये यूज़ होता है, ये कब आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आता है मोबाइल OFF लेवलिंग OFF स्विच
ओ डबल एफ, ले ऑफ, ले ऑफ, पासिंग ऑफ, टेक ऑफ, ओ डबल एफ, स्विच ऑफ, ऑन ऑफ जब भी आए, ऑन ऑफ, ओ डबल एफ, वाइप, डब्ल्यू आई पी ई, वाइप के साथ ओ डबल एफ, कट ऑफ, सी यू टी, कट, ओ डबल एफ, कट ऑफ, टू बाय ऑफ, ले ऑफ, टू, थ्री ऑफ, ओ डबल एफ, सब में ओ डबल एफ आएगा, स्पार्किंग ऑफ, हार्ट ऑफ, वेव्ड, डब्ल्यू ए आई वी ई डी, वेव्ड में ऑफ आएगा, रिटर्न ऑफ, ओ डबल एफ, सेट ऑफ, एस ई टी, ओ डबल एफ आएगा, फार ऑफ, एफ ए आर, ओ डबल एफ, ऑन शेयर ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ शेयर, इनमें भी ओ डबल एफ, कॉल ऑफ, सी ए डबल एल, ओ डबल एफ, टर्न ऑफ, ओ डबल एफ, सी ऑफ, ओ डबल एफ, वाइप ऑफ, ओ डबल एफ। जो रह गया होगा वो मैं रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि पेज पे इतना स्पेस नहीं है और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए ताकि बच्चे बोरिंग ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होते हैं बच्चे देख नहीं पाते, और कोई और नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी आएगा, मतलब यूट्यूब चला रहे हो आप, पूरा ध्यान आपका वहाँ पर चला जाएगा और आप दूसरी तरफ जो किया होगा वो पूरा बिखर जाएगा। एक होता है वाइड, डब्ल्यू आई डी ई, और एक होता है वाइड, ये वाइड होता है और डेट डेट के साथ आते ज़्यादातर, वाइड ओल्डर डेटेड, वाई लेटर डेटेड, वाइड मेमो डेटेड, और वाई मेमो नंबर वगैरह कुछ भी आएगा डेटेड, ठीक है। और ये ज़्यादातर यूज़ होगा वाइड रेंज के लिए, मतलब इसकी इसका मतलब है चौड़ा, चौड़ाई, ठीक है, ये यूज़ होगा आपका वाइड रेंज के लिए। और एक वाइड स्पेक्ट्रम, एस पी ई सी टी आर यू एम, वाइड स्पेक्ट्रम के साथ भी आपका ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद आपके ज़्यादातर जो नॉर्मल डिक्टेशन आपकी जो जहाँ तक एग्ज़ाम है जो आएगा जा बेसिक से ही आएंगे, इससे ज़्यादा बहुत से वर्ड होते हैं जिनके साथ आता है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। वाइड आपका ये ज़्यादातर डेट डेट के साथ आएगा, जो भी डेट वगैरह दी होगी, लेटर डेटेड होगा, ऑर्डर डेटेड होगा, मेमो डेटेड, जो भी आएगा उनके साथ आपका वी आई डी ई आएगा, ज़्यादातर आपको यही यूज़ करना है डिक्टेशन में। ये यूज़ एक या दो बार कहीं होगा होगा तो ज़्यादातर वी आई डी ई होगा। अगला है आपका फाल्स, फाल्स जिन जिन वर्ड के साथ आएगा वो है, फाल्स का मतलब होता है झूठा, ये फाल्स रिपोर्ट, फाल्स वेरिफिकेशन, फाल्स इंटीरियर, फाल इंफॉर्मेशन, फाल्स इंफॉर्मेशन, फाल्स एलिगेशन, झूठे एलिगेशन जो मतलब झूठे इल्ज़ाम, इम्प्लीकेशंस, फाल्स इम्प्लीकेशंस के साथ भी एफ ए एल एस सी आएगा। और जहाँ भी फाल यूज़ होगा, एफ ए डबल एल, इसका मतलब होगा गिरना, आप समझ जाओगे कि फाल रिपोर्ट है तो इसका कोई महत्व नहीं होता, कोई गिरना, रिपोर्ट का गिरना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आपका ये एफ ए एल एस सी फाल्स रिपोर्ट ही आएगा। अगला है और, जब भी आएगा जिन वर्ड्स के साथ आपका ओ यू आर यूज़ होगा, ये तो आपको पता ही है कि कब आता है, टू के बाद कभी भी आर नहीं आता, ओ यू आर आएगा, ड्यूरिंग के बाद कभी भी आर नहीं आता, ओ यू आर आता है, या फिर हावर आता है, ड्यूरिंग हावर, बाय के बाद ओ यू आर आता है, ठीक है, वंस के बाद ओ यू आर, और दयापा थ्रू के बाद ओ यू आर आता है, विद के बाद भी ओ यू आर आता है, और इन के बाद भी ओ यू आर आता है। ये आर जब यूज़ होगा तो इन इन वर्ड्स के साथ ये आर यूज़ नहीं होगा। अब देखोगे डिक्टेशन में, आप अगर ये रूल्स कर लोगे तो आपको डिक्टेशन बहुत आसान लगेगी,
जब आप खुद समझते रहोगे कि विद के साथ मतलब कई बार अपना आउर बोल रहा है या आर बोल रहा है, आउटलाइन दोनों सेम सी लगती है, तो वहाँ पे समझने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी। एक्ट आता है स्मॉल कब आएगा, एक जब भी दिया होगा, जैसे हिंदू एक्ट 1957 जो भी दिया होगा, तो एक्ट आपका कैपिटल ही आएगा, ठीक है। कोई भी दिया होगा डिस्प्यूट एक्ट, तो ये आपका कैपिटल ही आएगा। अदरवाइज स्मॉल कब आएगा, एक्ट ऑफ पर्सन या एक्ट ऑफ रेस्पोंडेंट या एक्ट एंड ओमिशन एक्ट एंड ओमिशन जब भी आएगा ये आएगा, और एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑफ पर्सन एक्ट ऑफ रेस्पोंडेंट या टू के बाद कभी भी एक्ट आए, जैसे टू के बाद एक्ट आए तो ये स्मॉल आएगा आपका, और टू के बाद कभी भी स्टेट आए तो ये भी आपका स्मॉल आएगा। अगर इसके अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है जैसे ऑफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट करें, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा वीडियो के थ्रू, या कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा उसी टाइम, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और टू कब आता है और टी डबल ओ कब आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। हर वीडियो को देखें, आपके लिए यूज़फुल होगी। चैप्टर और वो रोमन और न्यूमेरिक मैं आपको अगली वीडियो में रिपीट करवा दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो इसलिए। और एक NOTE जो ये बच गए आपके, NOTE नोट कब यूज़ होता है और NOT कब होता है, स्टेट स्मॉल कैपिटल, ये भी मैं आपको बता दूंगा, एक बार और रिपोर्ट कर दूंगा क्योंकि बहुत से वर्ड हैं उनके साथ आता है। और एक आपका कोड्स के जितने भी नाम होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। एक कोर्ट कैपिटल कब आता है और स्मॉल कब आता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक कुछ कैपिटल वर्ड्स होते हैं जो कैपिटल ही आते हैं और कुछ स्मॉल आते हैं लेकिन अलग अलग आते हैं, जिनकी प्रोनंसिएशन एक साथ होती है, तो वो वर्ड भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी दिन ब दिन अच्छी रहती रहे। और मैं आपको एक वीडियो वो भी डालूंगा कि अपने स्पीड को अच्छा कैसे करें या अपने डिक्टेशन जो आपकी गलतियाँ ज़्यादा आती हैं उनको कम कैसे करें, तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।